गाइस, आज की वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा कमाल की कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये है मारुति सुजुकी जिम्नी, ऑफिशियल लाइसेंस्ड मारुति सुजुकी जिम्नी आरसी कार है और इसको हम लोग कम्प्लीटली रिमोट से चला सकते हैं। इसको मैंने 20,000 रुपीस में खरीदा है। गाइस, चलो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और कराते हैं इसकी फाइट दूसरी कार्स के साथ। आज ये जिम्नी की मैं फाइट कराने वाला हूँ मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट आरसी महिंद्रा थार के साथ और ग्लेशियर आरसी कार के साथ और आरएसओवी मिलिट्री व्हीकल के साथ। ये सभी के सभी आरसी कार ऑफ रोड चलने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो आज इनकी मैं ऑफ रोडिंग भी कराने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। चलो गाइस, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। ऐसे वाली बॉक्स पैकिंग में मिली है हम लोगों को जिम्नी, पर इसके स्पेसिफिकेशंस है, इसकी चैसिस को कैसे डिजाइन किया गया ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इसके डोर्स, बोनट, पीछे की डिक्की, हर एक चीज हम लोग ओपन कर सकते हैं। चलो गाइस, फटाफट से यहाँ से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। ये बॉक्स मेरे को काफी ज्यादा सही लगा यार, कार को कैरी करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। मेरे पास एक और सुजुकी जिम्नी भी है पुरानी वाली, उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही वाला बॉक्स मिला था। ओ माई गॉड, कार का कलर देखो यार, बिल्कुल रियल कार जैसी ही दिखाई दे रही है। पेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा ऑसम है। बॉक्स के ऊपर तो लिखा है कि इन लोगों ने जो ओरिजिनल कार के ऊपर पेंट था वही पेंट इसके ऊपर भी लगा रखा है। तो इसके साथ और क्या क्या चीजें दी गई है ये बता देता हूँ। इसकी यूजर गाइड, तो हमारी जो कार है 1:12 स्केल मॉडल पे बनाई गई। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, इतना ज्यादा एडवांस रिमोट मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स करने के लिए दिए गए। यहाँ पर दो स्विचेस मिलते हैं, यहाँ पे एक स्विच है, 3 एलईडी इंडिकेटर्स यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी 4 चैनल्स दिए गए। ये चैनल से हम लोग कार की लाइट्स वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर इंडिकेटर भी दी गई है। तो यहाँ पे एक और पैकेट है, इसके अंदर इसका स्पैनर दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं सामने से। बिल्कुल देखो यार, सुजुकी जिम्नी जैसी ग्रिल यहाँ पे देखने को मिलती है, सुजुकी का लोगो भी है, हेडलाइट्स भी है और ये हेडलाइट्स काम भी करती है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हनीकॉम ग्रिल भी दी गई है यार, बहुत डिटेलिंग में ये कार को बनाया गया है। जिम्नी की बैजिंग यहाँ पे। अब इनके ग्लासेस के ऊपर आप देख सकते हो एक पन्नी लगी हुई है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। ओह माय गॉड, अब देखो यार इंटीरियर क्या ही गजब का दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ भी एक पन्नी लगी हुई है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओहो, वाइपर्स टूटने के चांसेस मेरे को लग रहे थे तो हटा दिया मैंने इसको। यहाँ पर वाइपर्स भी दिए गए। इसके व्हील्स रियल रबर के व्हील्स दिए गए, डनलॉप के व्हील्स मिल जाते हैं और ये ऑफिशियल लाइसेंस्ड व्हील्स भी इसके अंदर लगाए गए। अब इसके डोर्स मैं ओपन करने वाला हूँ, डोर्स भी इसके प्रॉपर तरीके से ओपन और क्लोज हो जाते हैं। इसके अंदर एक सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं तो ये सीट्स इसके फोल्ड हो जाते हैं और आगे पीछे भी हो जाते हैं गाइस, जैसे कि रियल कार में होते हैं। तो बाकी इस तरफ से एक बहुत ही गजब की चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग है ना यार, जैसे हम कार के व्हील्स टर्न करते हैं रिमोट से तो ये स्टीयरिंग भी टर्न होती है उसी के साथ में। अभी पीछे का डोर ओपन करते हैं, यहाँ पर देख लो यार, ये सीट्स को भी हम लोग इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और कमाल की चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी दिया गया है, इसको भी हम लोग क्लोज और ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। पीछे भी बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है, जैसे कि यहाँ पर इसके हिंजेस देख सकते हो, कम्प्लीटली मेटल के हिंजेस दिए गए। रियल वाला व्हील देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सुजुकी की बैचिंग है, यहाँ पे जिम्नी ऑल ग्रिप की बैचिंग दी गई है। पीछे यहाँ पे टेल लाइट्स दी गई है और इसके अंदर इंडिकेटर्स भी दिए गए। अगर इसकी इंजन की बात करूं तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छी डिटेलिंग दी गई है। यहाँ पर इसकी बैटरी मैंने लगा दी है, इसके साथ 7.4 वोल्ट की हाई कैपेसिटी बैटरी देखने को मिल जाती है। ये बोनट हम लोग ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा मजबूत भी है। सच में गाइस, इसकी डिटेलिंग देखकर मैं खुद हैरान रह गया यार। तो ये रही आरसी थार, दोनों को साइड बाय साइड मैंने रख दिया है। आपको पता होगा गाइस, ये थार ऑफ रोड में कितनी तगड़ी तरीके से चल सकती है। यहाँ पे दोनों के साइज में देखो, और ज्यादा डिफरेंस मेरे को लग नहीं रहा है, जस्ट थार इससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। बाकी थार के सामने एक बहुत बड़ा बम्पर देखने को मिल जाता है, ये बम्पर बहुत ज्यादा मजबूत है। जिम्नी का बम्पर मेरे को उतना मजबूत लग नहीं रहा यार। बाकी दोनों के व्हील्स आप देख सकते हो, इसके व्हील्स थोड़े से हार्ड है, इसके व्हील्स रियल कार जैसे ही दिखाई देते हैं। ये आरसी थार के अंदर ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी गई है, सिर्फ इसके इंडिकेटर्स और लाइट्स वगैरह काम करते हैं, बाकी इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है, इस वजह से इसका कॉस्ट भी ज्यादा है। ये आरसी थार को मैंने सिर्फ 7,000 रुपीस में खरीदा था, इसके अंदर भी स्टीयरिंग वगैरह दी गई है। ये सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, खास तौर पे जिम्नी और आरसी थार कितनी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रही है आप देख सकते हो। बाकी ये दोनों कार्स भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। चलो गाइस, सबसे पहले आरसी जिम्नी को चला के देखते हैं। ये जिम्नी ऑफिशियल लाइसेंस्ड होने के कारण बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है। इसका रिमोट मेरे को बहुत ज्यादा ऑसम लगा यार, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स दिए गए। बाकी आप इसके लाइट्स वगैरह देख सकते हो, नाइट में तो ये कार बहुत ज्यादा बवाल दिखाई देगी। खास तौर पे इसका जो ओरिजिनल पेंट है ना भाई, ये कलर में कार बहुत ज्यादा तगड़ी
बड़ी मेरे को लगती है। अब आरसी थार को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार की रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा ऑसम है और ये कार काफी ज्यादा बल्की भी दिखाई देती है। अब मैं रेस कराने वाला हूँ आरसी जिमनी वर्सेस आरसी ग्लेशियर ट्रक के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। जिमनी का मैंने अभी तक फर्स्ट गियर ही डाल के रखा है यार, इसने तो बहुत आसानी से ग्लेशियर को ओवरटेक कर लिया है और ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। मेरे को नहीं लगता गाइस ग्लेशियर इसको ओवरटेक कर पाएगा। अब रेस कराते हैं आरसी जिमनी वर्सेस आरसी थार के बीच में, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीता है। आरसी जिमनी आगे निकल गई थी पर आरसी थार ने इसको ओवरटेक कर लिया आसानी से। अब जिमनी के अंदर मैंने सेकंड गियर भी डाल दिया है, ये फिर भी आरसी थार के बराबर में नहीं आ पा रही है। आरसी थार बहुत ज्यादा ऑसम तरीके से चल रही है। अब दोनों को चलाते चलाते मैं ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ, ऑफ रोड में देखते हैं कौन जीता है। थार तो भाई बहुत खतरनाक तरीके से ऑफ रोड में चल सकती थी पर यहाँ पे पूरी तरीके से गेम चेंज हो चुकी है। जिमनी इससे भी तगड़े तरीके से चल रही है क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन बहुत स्मूथ है और ये कार हल्की फुल्की होने के कारण ऑफ रोड में बहुत ही ऑसम तरीके से चल रही है। यहाँ पे आरसी थार पूरी कोशिश कर रही है आगे जाने के लिए पर आरसी जिमनी यहाँ पर जीत चुकी है क्लियरली। आप देख सकते हो गाइस रोड पे जब मैंने रेस कराई थी आरसी थार जीत गई थी और यहाँ पे जब मैंने रेस कराई थी तो ये जिमनी ने भाई सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए और ये जीत चुकी है आरसी थार को हरा के। ओके अब ऑफ रोड में रेस कराते हैं मिलिट्री स्पेशल व्हीकल वर्सेस जिमनी के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ये मिलिट्री स्पेशल व्हीकल सिर्फ ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है। इसके व्हील्स काफी ज्यादा चौड़े हैं और इसका भी सस्पेंशन काफी ज्यादा स्मूथ है पर मेरे को नहीं लगता गाइस ये मिलिट्री व्हीकल जीत पाएगी जिमनी से क्योंकि जिमनी का वजन बहुत ज्यादा कम है। देखो ये कार बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन पे भी और पत्थरों में भी, ये बहुत ऑसम तरीके से चल रही है गाइस। मैं तो फैन हो गया जिमनी का। अब जिमनी की आमने सामने वाली फाइट कराते हैं ग्लेशियर ट्रक के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। जिमनी ने इतनी जोर की टक्कर लगाई है ग्लेशियर का बोनट खुल गया है पूरी तरीके से। जिमनी इसको धीरे धीरे करके पीछे ढकेल रही है। आरसी ग्लेशियर ट्रक पूरी तरीके से ब्रेक लगाकर इसको रोकने की भी कोशिश कर रहा है फिर भी जिमनी ने इसको हरा दिया है पुशबैक में। अब देखते हैं क्या है आरसी जिमनी मिलिट्री व्हीकल को आमने सामने वाली फाइट में हरा पाती है या नहीं। यहाँ पे मिलिट्री व्हीकल भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही थी जिमनी के ऊपर पर जिमनी ने इसको जैसे तैसे करके रोक रखा है। अब मैंने जिमनी के अंदर सेकंड गियर डाल दिया है, सेकंड गियर डालते ही देखो यार इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यार, इसने तो मिलिट्री स्पेशल व्हीकल को भी हरा दिया है पुशबैक में आसानी से। रेस में तो दोनों कार्स को बराबर के पॉइंट्स मिले थे, अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। टक्कर बराबर की हुई है दोनों के बीच में। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को पीछे ढकलने की कोशिश कर रहे थे पर जिमनी ने उठा के फेंक दिया है आरसी थार को। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस इतनी ज्यादा पावरफुल कार को जिमनी ने हरा दिया है। ठीक है अब कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। यहाँ पे जिमनी ने शुरू कर दिया है अपनी पावर दिखाना और आरसी थार भी कुछ कम है नहीं। इसके व्हील्स काफी ज्यादा चौड़े होने के कारण इसको ग्रिप यहाँ पे अच्छे से मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिमनी के व्हील्स धीरे धीरे करके फिसलने लगे हैं। यहाँ पे आरसी थार धीरे धीरे करके खींच के लेके जा रही है जिमनी को और जिमनी ब्रेक्स भी लगा चुकी है पूरी तरीके से, फिर भी यार आरसी थार ने इसको हरा दिया है टग ऑफ वॉर में। इसीलिए लोग बोलते हैं गाइस थार थार है, थार के सामने सब बेकार है। ये एक ब्रूडर का ट्रक है, मैंने जिमनी के पीछे बांध दिया है। आने वाले दिनों में मैं इसको कम्प्लीटली आरसी बनाने वाला हूँ, इसके अंदर रिमोट वगैरह लगाकर भी चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लो यार एक एक लीटर की मेरे पास दो बॉटल्स मैंने यहाँ पे रख दी, ये एक मिल्टन का बॉटल है इसको भी रख दिया है, सभी बॉटल्स के अंदर पानी भरा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या हमारी जिमनी इतना ढेर सारा वेट खींच पाएगी या फिर नहीं। ओहो जिमनी की पावर देखो यार, इतना ज्यादा भारी भरकम ट्रक को भी ये काफी आसानी से खींच के लेके जा रही है और इसके अंदर तो मैंने वाटर बॉटल्स भी डाल दिए थे। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि जिमनी इतनी ज्यादा पावरफुल आरसी कार है। अब देखते हैं आरसी थार सेम वेट खींच पाती है या नहीं। थार के व्हील्स यहाँ पे स्लिप होने लग रहे थे, अब देखो यार यहाँ पे थार ने अपनी पावर बताना चालू कर दिया है। थार भी बहुत ऑसम तरीके से इतना ज्यादा वेट खींच सकती है। अब ये मिलिट्री व्हीकल के पीछे भी मैंने स्कैनिया का ट्रक बांध दिया है, ट्रक बहुत ज्यादा भारी भरकम होता है। बाकी आप देख सकते हो मिलिट्री व्हीकल भी काफी ज्यादा पावरफुल है वेट खींचने के मामले में। अब ये कार्स का वाटर प्रूफ टेस्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। सबसे पहले ग्लेशियर आरसी ट्रक को चला के देखते हैं इसके अंदर से ये चल पाएगा या फिर नहीं। ऑलमोस्ट आधा ट्रक पानी के अंदर डूब चुका है, देखते हैं गाइस यहाँ से निकलेगा या फिर फंस जाएगा। ओ माय गॉड ये तो बहुत आसानी से यहाँ से निकल गया यार। जिमनी को टेस्ट करते हैं, जिमनी बहुत अच्छे तरीके से ऑफ रोडिंग कर रही थी, देखते हैं वाटर में ये पास होती है या फिर फेल हो जाती है। जिमनी भी बहुत ऑसम तरीके से यहाँ से निकल चुकी गाइस, ये कार्स बहुत ज्यादा तगड़ी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये चारों आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है साप्तिक,
करमवीर, बुरहान, गीतेश, चंद्रशेखर, अब्दुल्ला, सम्राट, धीरेंद्र कुमार, सुधीर, सिमसन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।